तब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण इस धरती पर आए और अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे मानव समाज को ऐलान किए कि ये तर्क करने की जरूरत नहीं पहले मुर्गी के अंडा, ये तर्क करने की जरूरत नहीं कि पहले वृक्ष या बीज। इस संसार में सबका बाप, सबका पिता, परम पिता अर्जुन मैं कृष्ण हूं। पिता महस्य जगतो माता धाता पिता महा, मैं सबका पिता हूं अर्जुन, मैं सबका दाता हूं। भगवद गीता का यह श्लोक है धाता, अहम बीज प्रदह पिता। कृष्ण कहते हैं मैं ही बीज देने वाला परम पिता हूं, अर्जुन मैं ही सबका दाता हूं। हम भी जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने खड़े रहकर बोल तो देते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। बोलते ना हम लोग, सब लोग प्रायः सब लोग ये श्लोक जानते हैं और मंदिर जाकर भगवान से कहते हैं त्वमेव माता पिता। ये सब श्लोक हम भारतीयों के लिए केवल बोलने के लिए रह गए हैं। शास्त्र के ये मंत्र, शास्त्रों के ये श्लोक केवल तोते की तरह रटने के लिए नहीं, ये जीवन में उतारने के लिए है। नहीं तो एक बार भी कृष्ण को माता मान लिया, पिता मान लिया, अपना बंधु भाई, अपना सब कुछ मान लिया तो जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। आज हम और आप रात दिन चिंता से जल रहे हैं क्योंकि ईश्वर को हमने अपना नहीं बनाया। बोल तो देते हैं तोय माता पिता तमेव, लेकिन ये तोते की तरह रट। एक बार वन में एक शिकारी गया और शिकारी ने प्लान बनाया कि बस दोपहर को जाऊंगा, दाना डालूंगा, जाल बिछाकर दाना डालूंगा और सारे पक्षी जब उस दाने के लोभ में आएंगे उस जाल को बांधकर पक्षियों को लेकर जाऊंगा। पूरा प्लान बनाकर बैठा था, एक साधु को दया आई और उस पक्षी के पास गए और कहे देखो आज आप सब मरने वाले हो। सारे पक्षी साधु के चरणों में गिर गए, महाराज हमको बचा लीजिए। बोले बचा लूंगा लेकिन एक श्लोक अपने जीवन में उतार दो तो आप बच जाओगे। क्या कहा? मैं एक श्लोक कहूंगा और वह श्लोक जीवन में उतार दो तो बच जाओगे। उन पक्षियों ने कहा, पक्षियों ने कहा कि महाराज बता दीजिए हम जीवन में उतार लेंगे और मरने से बच जाएंगे। उस साधु ने सिखाया मंत्र, आप भी बोलिएगा। मंत्र की पहली लाइन, शिकारी आएगा। बोलते तो अच्छा है। आगे मंत्र पूरा करते हैं। पहला है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। ये श्लोक था और सारे पक्षियों ने याद कर लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। सब लोगों ने रट लिया, याद कर लिया। अब साधु को विश्वास हो गया कि अब तो ये बच जाएंगे। अब कोई भी आमने सामने मिले तो बस यही, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी के आने का समय हो गया और शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। दाने को देखकर सारे पक्षी आए, श्लोक बोलते बोलते शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना खा रहे हैं और श्लोक बोले जा रहे हैं। तुम्हारा काल आ चुका है,
जाल बिछ चुकी है, दाने डाल चुका है, बस अभी आपको मारने की तैयारी। लेकिन श्लोक बोले जा रहे हैं और दाना खाए जा रहे हैं। श्लोक कितना याद करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना जीवन में उतारते हैं ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो भगवान ने कहा कि कुछ लोग, कुछ पंडित ब्राह्मण आदि श्लोक तो बहुत याद कर लेते हैं, वेदों के मंत्र, वेदों के पुरुष सूक्त श्लोक बहुत याद करते हैं, लेकिन वह जीवन में नहीं उतरता तो समझो वह गधा है। मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान कहते हैं, प्रमाण के साथ कहूं, यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति इनो खरवत वदंती। खर माने गधा, वो गधा है। मलई पर्वत पर बहुत सुंदर कीमती चंदन उगते हैं, सोने गोल्ड से भी महंगे होते हैं, और वहां के लोग उस चंदन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। उन गधों के ऊपर बड़े बड़ा महंगा चंदन होता है, वो गधे चंदन का भार तो उठाते हैं लेकिन चंदन की महिमा नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जो लोग वेदों के शास्त्रों के श्लोक याद तो कर लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते तो वो गधे की तरह है। केवल इन श्लोकों का, शास्त्रों का भार ढो रहे हैं, जीवन में नहीं उतारते। त्वमेव माता पिता त्वमेव बोलते तो है लेकिन जीवन में कहां। सच कहना, इस संसार में हमारे वास्तविक मां बाप, हमारे वास्तविक हितेशु, हमारे दिल की बात रखने लायक यदि कोई है तो वह एकमात्र राम और कृष्ण है। नहीं तो इस संसार में कहीं भी आप अपने दिल की बात रखोगे, सुनने वाले के मन में स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं होगा। अपनी भावना यदि किसी को बताना चाहते हो तो ईश्वर को बताओ। भगवान ही एक ऐसे पात्र हैं जो हमारी भावनाओं को समझ पाएंगे, हमारी तरंगों को समझ पाएंगे, हमें समझ पाएंगे। तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माता दाता पिता मह, यदि हमने भगवान को दाता मान लिया, बोल तो लेते हैं लेकिन जीवन में अप्लाई कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो किसी भी प्रकार की चिंता या दुख नहीं रहेगा। कैसे? छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं, उन बच्चों को कोई चिंता नहीं होती। मनुष्य जीवन में सबसे अच्छी अवस्था यदि कोई है तो है बाल्य अवस्था। उनको खाना नहीं होगा ना तो मां जबरदस्ती खिलाएगी, कपड़े नहीं पहनना होगा तो पिताजी जबरदस्ती पहनाएंगे। उस बालक को कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि वह छोटा सा बालक अपने माता पिता को आश्रित हो गया है। मुझे आपसे इतना ही समझाना है कि एक बालक संसार के साधारण मां बाप को आश्रित हो जाए तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, तो हम सब हमारे वास्तविक पिता को आश्रित हो जाए तो सारी चिंता से मुक्त क्यों नहीं हो पाए? क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि कृष्ण ही हमारे वास्तविक दाता है, राम या विष्णु ही हमारे वास्तविक दाता है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।